अंधस्य मे हृतो विवेको महाधनस्य चौरई प्रभो बलिभिरिन्द्रियो नामधेवै महान्दकूपे कुहरे विनिपातितस्य देवेशो देहि कृपणस्य कराबलम्बम् अंधस्य मे हृतो विवेको महाधनस्य चौरई प्रभु बलिभिरिन्द्रियो नामधेवै महान्दकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेशो देहि कृपणस्य कराबलम्बम् गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं संपूर्ण आत्म समर्पण करने से जभी आगे चलकर परम मंगल का व्यवस्था होता है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने से ही मंगल होगा ही होगा। श्री गुरु पाद पद्मो मेरा अज्ञान असंपूर्णता मेरा अंदर में जो असंपूर्णता है पूर्णता नहीं है मूर्खता है मैं मूर्ख हूँ मेरा अंदर में जो अलग अलग का असत विचार प्रणाली चलते रहते हैं मेरा अंदर में जो अनस्टेबिलिटी है अस्थिर सिद्धांतों में मैं डूबा हुआ हूँ। गुरुपाद पद्मो इस विषय में अपना कीपा दान करना चाहता है। अज्ञान अतिविनान्नस्य ज्ञानान्योऽनुशलक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मिन् गुरवेनु गुरुपाद पद्मो इस विषय में मैं जो किस हालत में गिरा हुआ हूँ इस बारे में गुरुपाद पद्मो संपूर्ण अभिज्ञ है ज्ञाता है। इसीलिए मेरा जितना सारे बीमारी हैं ये बीमारियों का इलाज करने का व्यवस्था करता है अवस्था अनुजी व्यवस्था मेरा जैसा बीमारी है उसका समाधान भी करना चाहता है गुरुपाद पद्म। जैसा बीमारी है ऐसा बीमारी का मुताबिक व्यवस्था भी गुरुपाद पद्म करना चाहता है। गुरुपाद पद्मो पोपा जी ने बहुत पहले उस जमाने में एक आर्टिकल लिखा था गौरी हॉस्पिटल या अलग अलग किस्म का मरीज आते रहते हैं अब मरीजों का एक एक हालत है उसका लिए दवाएं हैं कौन सी दवा किस मरीज को चाहिए और वहाँ डॉक्टर भी है डॉक्टर माने वैद्य है जो चिकित्सा करने वाले वो भी हैं। आजकल तो उल्टा हो गया हॉस्पिटल खोल के रख रहे हैं मंदिर और उसमें कोई डॉक्टर नहीं है इलाज करने वाला कोई मरीज भरा परा है मरीज भरा परा है और आ रहा है लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है दवाएं नहीं है कोई डॉक्टर नहीं कुछ नहीं ऐसा बुरा हालत है हर हॉस्पिटल में। इसी का नाम है गुरुपाद पद्मो जिनके सामने पहुंचने से दूसरे का कोई एडवाइस सुनने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है जिनके सामने जीने से जाने से अंतर से जिसका चरण में पहुंचने से अंतर से
हमारा अंदर का जितना सारे समस्याएं हैं सारे मिट जाता है। इसी का नाम है सदगुरु, जिनके मुखारविंद से सुनने का बात और किसी का कोई उपदेश सुनने का जरूरत है नहीं, इसी का नाम है गुरुपाद पत्म। तमाम मंगल का मंगल स्वरूप भगवान, हमारा मंगल का तमाम जुमा, हमारा मंगल करने का तमाम जुमा जिसका हथेली में रख दिया, इसका नाम है गुरुपाद पत्म। हम अगर ऐसा सदगुरु चरण में शत प्रतिशत 100 भाग आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो जाए, आमा कर सके, तो गुरुपाद पद्म भी मेरे को संपूर्ण मंगल हमको देने के लिए समर्थ है। अगर हमारा अंदर में शरणागति नहीं है तो एब्सोल्यूट मंगल परम मंगल कैसे दे सकता है। जब तक हम अपना मनमानी जब तक हम अपना मनमानी भाव, मेरा अलग सा विचार, अलग सा जो कुछ भी है सब अपना अपना विचार अपना हाथ अपना हथेली में रखना चाहता है, तब तक गुरुपाद पद्म सेंट पर्सन मंगल दे नहीं सकता। यदि अगर कपट भाव लेकर गुरुचरण में जाए तो और भी सत्यानाश है इसमें। अगर कपट भाव लेकर गुरुचरण में जाए लोगों को दिखाने के लिए मैं गुरु का सेवक हूं, जैसे करता है गुरु का आसन लेने के लिए गुरु का सेवा बहाना, बाद में बोलता है आपका आसन मेरे को दे दो, मायावादी, गुरु को धक्के लगाकर पूरा उनका आसन लूटना चाहता है, जैसे मायावादी करते वैसे। कपट भाव लेके गुरुचरण में अगर पहुंचे लोगों को दिखाने के लिए, मिथ्या भक्ति है, कपट भाव, तो गुरुपाद पद्म मेरे को भी वंचना कर देंगे, चीट कर देंगे, हमको असली चीज नहीं देंगे, रुपया पैसा कामिनी कांचन देके बस छोड़ देंगे जा। गुरुपाद पद्म कहेंगे तुम मेरा शिष्य नहीं हूं, तुम शिष्य होने का लायक नहीं हूं, तुम मेरा शासन ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय में पाप है, कपट लोगों का विचार सुनने के लिए तुम्हारा अंदर में अभी भी तुम्हारा अंदर में इच्छा है, तुम्हारा कान, तुम्हारा हियरिंग ऑर्गन अभी भी तैयार नहीं हुआ शब्द ब्रह्म को कैच करने के लिए जितना चाहिए, तैयारी नहीं हुआ अभी तक, तैयारी नहीं हुई आपका काम, तुम वंचित हो गया, तुम हमको वंचित करने के लिए आए थे लेकिन खुद ही वंचित होके चला गया। गुरुपाद पद्म मेरे लिए जो व्यवस्था करे, जो शास्ति दे, जो पनिशमेंट दे, जो शासन करे, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन संपूर्ण रूप से अंतर से ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि गुरुचरण का शासन
गुरुचरण का प्यार दोनों ही एक ही है, शासन भी प्यार है और प्रभुपाद जी ने कहे कभी गुरुचरण अगर मेरे को शास्ति दे दे, अब कभी कृपा करने का व्यवस्था करे, दोनों ही एक ही है। हमारा आदि कवि ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण में जब शरणापत्ति की व्यवस्था की, तब भगवान अपना सब कुछ खोल दिया, रहस्य खोल दिया। भगवान ने कृपा करके जो आदेश दिया है, जो दिखाया है अपना स्वरूप, अपना धाम, जवा नाम यथा भाव जद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात, भगवान का कृपा से सारे जानकारी मिला है आदि कवि आदि गुरु ब्रह्मा। भगवान ने कहा देखो अपना प्रयास प्रचेष्टा से तुम कभी भी मेरे को जान नहीं सकोगे, अपना प्रयास प्रचेष्टा से आप कभी मेरे को जान नहीं सकोगे, संभव नहीं, ये मेरे कृपा है आपका ऊपर, अब जानकारी कर लो। और तमाम सृष्टि रचना का जुमा ब्रह्मा जी का हाथ में हथेली में दे दी और फिर बाद में आशीर्वाद करके भगवान कह दी जो हमारा ये जो विचार हमने बताया ज्ञान एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्प से नवयोजित कर, हमारा ये विचार अगर आप गौण करोगे तो कभी भी आपको माया नहीं सताएगा। एतत् मतम समातिष्ठो, एतत् मतम मतलब जो भगवत तत्व विज्ञान, जो भगवत भगवत तत्व विज्ञान जो हमने आपको कह दिया, एतत् मतम समातिष्ठो, तिष्ठो नहीं समातिष्ठो, सम्यक रूप में खो जाओ इसमें, समातिष्ठो परमेनो समाधिना। समातिष्ठ पहले बोला, समातिष्ठ सम्यक रूप में इसमें खो जाओ, डूब जाओ, समातिष्ठ परमेनो समाधिना, समाधि लगाओ, समाधि लगा लो पूरा, ये मेरा चरण छोड़ के कुछ दूसरा चीज आपका नजर में ना आए। जब तक भगवान और गुरु वैष्णव का चरण छोड़कर दूसरा चीज नजर में आए, मन में आए, तो ये माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को आशीर्वाद करके भगवान ने कह दी एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना, भवान आप भवान कल्प विकल्पेषु, एक कल्प से दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, ऐसे चलते चलते हैं आपका मोह नहीं होगी, मोह होने का कोई चांस नहीं, ये मेरा आशीर्वाद रहा। पिछले दिन चर्चा की शंभु लिंगों का बारे में हमने कहा, जिस जिस श्लोक का जिस विषय चर्चा पहले हमने चर्चा किया था शुरुआत में, श्री कृष्ण का उपास्य तत्व, उसके बाद 2 से 5 नंबर से कृष्णधाम गोकुल का निरूपण तत्व, 6 से 7 कृष्ण बहिरंगा माया संगो रहित्व, अर्थात भगवान के साथ माया का कोई डायरेक्ट कोई कंटक है नहीं, इनडायरेक्टली, और 8 से 9 उक्तो माया संगी लिंगो तत्व, इस बारे में अभी चर्चा चल रहा है। इसके बाद
आगे चलकर सृष्टि तत्व गर्भोदक गोसाई महाविष्णु से सत्व रजो और तमोगुणों का अधिदेव रूप विष्णु महाविष्णु महाविष्णु से अधिदेव रूपे विष्णु प्रजापति और रुद्र का उदय। इसके बाद जीवों का सृष्टि और संबंध, सृष्टि तत्व का बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आठ से नौ, आठ नौ उक्त माया संगी लिंगो तत्व का बारे में चर्चा हो रहा है। पिछले दिन हमने बताया था लिंगो जन्यात्मिका याता इमा माहेश्वरी प्रजाहा, महेश्वरी थे माहेश्वरी, जैसे कुंती से कौंतेयो ऐसे माहेश्वरी प्रजाहा। इस जगत में जितना तमाम माहेश्वरी प्रजा दिखाई पड़ता है ये लिंगो योनि स्वरूप, मतलब ये कोई स्लैग लैंग्वेज नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया ये टेक्निकल टर्म है, ये टेक्निकल टर्म है, कोई स्लैग लैंग्वेज नहीं है, गंदा बात नहीं है। लिंगो योनि स्वरूप, इसका पीछे क्या रहस्य है? रहस्य ये है, मैंने पहले भी चर्चा किया इस विषय में, जितना सारे अनंत जीव है अनंत ब्रह्मांड में, जहां जितना सारे अनगिनत इन्फिनिट जीव, तमाम जीव भगवान से ही आया हुआ है। भगवान गीता में बताया ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान ने गीता में बताया देखो मेरा ही अंश है ये, जितना सारे अनंत जीव है, जितना सारे अनंत जीव राशि है, सब मेरे से ही आया हुआ है, मेरे ही अंश है। अब अंश बोलने से कोई अगर सोचे भगवान को टुकड़ा टुकड़ा डस्ट पार्टिकल करके ये जीवात्मा हूं, वे ऐसा नहीं, ये कंसेप्शन गलत है। मैंने पहले भी बताया कई बार ये भगवत धाम का एक धूलिकणा तक भी, भगवत धाम का एक धूलिकणा तक भी चिन्मय है, भगवत धाम का एक धूलिकणा तक भी चिन्मय है। भगवान का कोई पार्ट है, कोई कोई भगवान का कोई भी हिस्सा है, ये ऑलवेज कंप्लीट, ये कंप्लीट है, क्योंकि भगवान पूर्ण वस्तु है। पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ईशोपनिषद में बताया गया, पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णमेव अवशिष्यते, भगवान पूर्ण वस्तु है, भगवत धाम पूर्ण वस्तु है, भगवान का नाम पूर्ण वस्तु है, भगवत धाम का कोई भी वस्तु पूर्ण वस्तु है, यहां तक कि डस्ट पार्टिकल तक भी पूर्ण वस्तु है। इस अवस्था में ऐसा सिद्धांत तो उचित नहीं है कि ममैव अंश जीवो लोके जीवो तो सनातनः, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अंश है, भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप इसका टुकड़ा टुकड़ा करके, ये नहीं, इसमें गलत सिद्धांत है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे जो गौड़ीय भक्त है, जो गौड़ीय भक्त है चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य तो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर पाठ किया है तो आपको जानकारी है, जीव जीव ततस्था शक्ति है, जीवों का अंदर में कमी है, जीवों का अंदर में कमी है, जीवों का अंदर में कमी है, भगवान पूर्ण वस्तु है, जीव अपूर्ण वस्तु है, भगवान पूर्ण वस्तु है, भगवान
पूर्ण वस्तु है, भगवान विभु वस्तु है, आज जीव इन्फिनाइट स्मॉल, इतना क्षुद्र वस्तु है, लेकिन क्वालिटेटिवली एक है, गुणगत विचार में एक है, भगवान सच्चिद आनंदमय और हर जीवात्मा जो है ये स्वरूप में सच्चिदानंदमय। लेकिन फिर भी माया का चक्कर में फंसने का 100% संभावना है, पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि भगवान विभु वस्तु है, अजीव क्षुद्र वस्तु है, वीक है, दुर्बल है तो चिन्मय, लेकिन इतना क्षुद्र है कि माया का प्रभाव से, माया का चक्कर में फंसने का 100% पॉसिबिलिटी है। तो जीवात्मा अपूर्ण वस्तु है, तो जीवात्मा को अगर विचार किया जाए कि भगवान का अंश है, तो भगवान का अगर डायरेक्ट अंश है, तो भगवान का अगर डायरेक्ट अंश है, अच्छा ठीक है, भगवान का डायरेक्ट अंश, भगवान का धाम का भी एक डस्ट पार्टिकल, भगवत धाम का भी एक डस्ट पार्टिकल का बराबर है, क्योंकि भगवत भगवान का तत्व जो है, भगवान का नाम, भगवान का धाम स्वरूप एक ही है। तो इसमें क्या है, जीवों का अंदर में जो वीकनेस है, जीवों का अंदर में जो कमी है, जीव जो इतना वीक है, जीव जो माया का चक्कर में फंसने वाला है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर डायरेक्ट भगवान का अंश है तो इसमें हो नहीं सकता, इसलिए भगवान का डायरेक्ट अंश जरूर नहीं है। तो भगवान का शक्ति का अंश है, भगवान का ततस्था शक्ति एक शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भगवान का चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये जीव शक्ति जो है, जीव शक्ति का अंश है, भगवान का जीव शक्ति का अंश है, ठीक है, जीव शक्ति का अंश है मतलब शक्ति का अंश है। और वेदांत सूत्रों में शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद, वेदांत सूत्रों में शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद ये विचार बताया गया। वेदांत सूत्रों में शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद ये विचार बताया गया, तो ठीक है, भगवान और भगवान का शक्ति अभिन्न है। इस विचार का अनुसार अगर गीता में भगवान बोला है ममई वंश जीवो लोक जीवो तो सनातन, ये तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का ततस्था शक्ति जीव शक्ति का अंश है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये जो 9 नंबर श्लोक है, इसमें जो ब्रह्म संहिता में बताया गया लिंगो जन्यात्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजा, लिंगो जन्यात्मिका, लिंगो अर्थात पुरुष शक्ति व उपादान कारण, और योनि अर्थात स्त्री शक्ति व निमित्त कारण, यही लिंगो योन्यात्मक अर्थात उभय का संयोग में इमा ये जगत में तमाम जितना सारे जीव है, इस तमाम जीवों को महेश्वरी प्रजा अर्थात महेश्वरी का प्रजा अर्थात समस्त लोक सह देव दानवादी समस्त माइक ऐश्वर्य से, माइक ऐश्वर्य से उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब हमने बार बार ये सिद्धांतों का चर्चा किया, भगवान नित्य है और जीवात्मा नित्य है, भगवान नित्य वस्तु है, अनंत जीव सारे अनंत जीव ये भी नित्य है, तो फिर जाता क्यों बोला महाराज, लिंगो जन्यात्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजा, ये प्रजा सब महेश्वरी प्रजा क्यों बोला, उत्पन्न हुआ,
आपने बोला जीवात्मा नित्य है, ये बोला उत्पन्न हुआ, आप समझा नहीं, जीवात्मा उत्पन्न ऐसा बोला नहीं। ध्यान दे के विचार करके देखो, बहुत पहले ब्रह्म संगीता का शुरुआत में मैंने बताया था, जितना सारे जीव है ये तमाम सृष्टि जब ध्वंस हो जाता है, विध्वस्त हो जाता है सृष्टि, तब तमाम जीव अपना अपना संस्कार, अपना अपना संस्कार को लेकर महाविष्णु का अंदर में अपेक्षमान रहता है, अपेक्षमान रहता है महाविष्णु का अंदर में। फिर आगे चलकर जब सृष्टि का समय आता है, उस समय भगवान महाविष्णु का जो दृष्टि है, जो हमने पहले ही बताया था, मायाध्यक्षेन प्रकृति श्रेयते चराचरम, गीता में भगवान ने बताया, मायाध्यक्षेन प्रकृति श्रेयते चराचरम, प्रकृति श्रेयते चराचरम, ये चराचर विश्व को प्रकृति प्रक्षोभ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तमाम जीव को सृष्टि करता है, जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है। प्रकृति का सृष्टि का जो रहस्य है, इसमें ये विशेष है जे प्रकृति निमित्त कारण, जैसे मैया और पिताजी, पिताजी उपादान कारण है, मैया निमित्त कारण है, जब ये आगे चलकर बच्चा आविर्भाव होता है। ये जो इसमें जो आविर्भाव का बात है, उत्पन्न का बात है, ये श्योरली नॉट अबाउट जीवात्मा। ये निश्चित रूप में ये जान के रखो, जीवात्मा का उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया गया। इट इज ओनली स्पोकन अबाउट द ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी ऑफ ऑल जीवस, तमाम जीवों का जो मोटा शरीर, तमाम जीवों का ये जो पांचों भौतिक मोटा शरीर लेके उत्पन्न होना, और अंदर में तो सूक्ष्म शरीर रहेगा ही अपना कर्मफल के अनुसार, संस्कार, ये तो अलग बात है, इसी को ही उत्पन्न हुआ है बोल के माना गया। जीवात्मा उत्पन्न नहीं होते, अपना संस्कार का मुताबिक तमाम जीव जब प्रकृति के गर्भ में आ जाते हैं, तमाम जीव ये जो महाविष्णु का दृष्टि प्रकृति का ओर, प्रकृति का गर्भो संचारित हो जाती है, इस समय तमाम जीव प्रकृति के गर्भों में आ पहुंचती है, और इसके बाद प्रकृति एक एक जीव का पूर्व पूर्व कर्मफल के अनुसार अलग अलग सा शरीर दे देती है, किसी को हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को लायन, किसी को सांप, किसी को आदमी बना देता है, देती है, ये काम है। इसी का नाम है लिंगो जन्यात्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजा, क्योंकि यह मोटा शरीर का उत्पत्ति लिंगो जन्यात्मिका, इट इज रिलेटेड टू लिंगो योनि, इससे अलग कुछ नहीं, इसीलिए बताया गया। अर्थात इस जगत का तमाम जो प्रजा, इनहेबिटेंट्स, प्रजा, ये सारे लिंगोजन्यात्मक, सारे सांप हो चाहे गिलारी हो, काये हाथी हो, घोड़ा हो, आदमी हो, सब सबका उत्पत्ति का विषय ये राज है। कभी कभी विशेष भी है, लेकिन विशेष होने से भी इसमें भी यही है। कभी कभी देखा जाता है बिछुआ, बिछुआ
कभी कभी पिता माता से उत्पन्न होती है, हैं? और कभी कभी क्रूड राइस जो अरवा चाल है, बहुत दिन से पड़े रहने से वो पच जाता है, खराब हो जाता है, उसमें से उत्पत्ति होता है। फिर भी गहरा विचार करो तो इसमें भी प्रकृति का गर्भ से ही उत्पन्न, क्योंकि प्रकृति का गर्भ का बाहर कुछ नहीं है। प्रकृति का जो गर्भ है, प्रकृति का बाहर कुछ नहीं है, चाहे बिछुआ पिता माता से जन्म हो या जर्मिनेटेड फ्रॉम द क्रूड राइस स्पॉइल फॉर लॉन्ग डेज, बहुत दिनों से क्रूड राइस बहुत दिनों से पड़ा रहने से बिछुआ का उत्पत्ति, ठीक है चलो। लेकिन विचार करके देखे तो सारे के सारे ही प्रकृति के गर्भ में ही है। और हमारा पिता कौन है? शंभुलिंगो, शंभु। इस बारे में हमने पिछले सप्ताह थोड़ा बताया था, भगवान का चतुष्पाद विभूति, भगवान का ऐश्वर्य जो है, इनमें अशोक अमृत अभय, ये त्रिपाद विभूति वैकुंठ गोलोक आदि ऐश्वर्यमय, एक पाद विभूति जो है, एक पाद विभूति जो है ये भी अनंत है। भगवान का जो एक पाद विभूति है अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड, ध्यान देना, ये अनंत जो ब्रह्मांड है, ये अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड जो है अनंत, ये लेकिन एक पाद है, एक पाद विभूति। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पाद विभूति अनंत है मेटेरियल जगत। तो कहां तक हम विचार करेंगे? वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, क्या करेंगे? ऐसा तो त्रिपाद है, अशोको अभय अमृतो, अशोको अभय अमृतो आधार तुम्हारो चरणोदय तहाते एखनो विश्राम लोभिया छरिनु भवेरो भयो। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारो चरणोदय तहाते एखन विश्राम लोभिया छरिनु भवेरो भयो। तो ये वैकुंठ जगत और गोलोक धाम सब जो है ये त्रिपाद विभूति। माइक जगत में देव दानवादी सकल समाम लोक सह माइक महिषज्ञ विशेष, इसमें भी कितना सारी चीज है। अनंत ब्रह्मांडों का बात तो दूर की बात है, हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो पृथ्वी है जिसको मंगल ग्रह से देखने से धूली धूली जैसा दिखेगा, एक धूली जैसा दिखेगा, इतना छोटा है, करोड़ों मील दूर है। तो ये जो तमाम ये जगत का, यही माइक जगत का देव मानव आदि तमाम लोक का साथ माइक महैश्वर्य विशेष, ये तमाम जगत ये भी एक ऐश्वर्य है, माइक ऐश्वर्य। सकल वस्तु उपादान निमित्तो भेदे लिंगो जन्मात्मक, स उपादान और लिंगो भेद में, लिंगो योनि संयुग में उत्पन्न हुई है। जोड़ियों विज्ञान द्वारा ए मेटेरियल साइंस जड़ जगत का विज्ञान के द्वारा जितना कुछ संवाद इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, मिला है, ये तमाम
ऐसा मापिक लिंगोजन्यात्मक भाव से उत्पन्न हुआ। वृक्षो लता यहां तक कि समस्त जड़ वस्तु पुरुष प्रकृति का संयोग में उत्पन्न हुई है। विशेष तात्पर्य ये है, यद्यपि लिंगो जन्या शब्द अश्लील मतलब गंदा शब्द है लगता है, फिर भी कुछ करने का नहीं है, ऑल टेक्निकल टर्म, तथापि विज्ञान शास्त्रों में ये सब तत्व सूचक वाक्य अत्यंत यूजफुल उपाधियों एवं मीनिंगफुल। हमारा दिल में गंदगी है, इसलिए विचार में गंदगी पैदा होता है। हमारा दिल में गंदगी भरा पड़ा है, हमारा दिल में गंदगी भरा पड़ा है, इसलिए गंदगी दिखता है, कुछ नहीं। सो ये व्यवहारिक संसार समाज में है, ये व्यवहारिक संसार समाज में जो गंदाबाद है, ये समाज संसार में व्यवहार का खातिर लगता है कि खराब है और कुछ नहीं, लेकिन विज्ञान और परम विज्ञान सामाजिक व्यवहार का अपेक्षा नहीं करते हुए आगे बढ़ता है, अर्थात विज्ञान और परम विज्ञान सामाजिक व्यवहार को उपेक्षा नहीं करते हुए आगे बढ़ता है, अर्थात सत्व वस्तु को ध्वंस नहीं कर सकता। सो जड़ जगत में मूल तत्व जो माई काम बीज, जो पहले श्लोकों में हमने बताया था, काम बीजम इत्यादि, अप्राकृत जगत में अप्राकृत काम बीज है, आज इस जड़ जगत में माई काम बीज है, जड़ जगत में अप्राकृत काम बीज है, इसका ही रिफ्लेक्टेड फॉर्म है। जगत में जो काम चलता है, एक दूसरे से आकर्षित अनुभव करता है काम बीज, ये इसके द्वारा। सो जड़ जगत का मूल तत्व जी माइक, सो जड़ जगत का जो मूल तत्व जो माइक काम बीज, इसको दिखाने के लिए इनेविटेबल कोई अवॉइड नहीं कर सकता। ये सब तमाम जो टेक्निकल टर्म लिंगोजोनी, ये व्यवहार जरूरी है। ये तमाम शब्दों व्यवहार केवल पुरुष शक्ति अर्थात कर्तृप्रधान क्रिया शक्ति, स्त्री शक्ति अर्थात कर्म प्रधान क्रिया शक्ति, ये समझना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तमाम दुनिया में जितना सारे जीवात्मा है, अपना कर्म फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, क्योंकि ये मोटा शरीर नहीं पकड़ने से स्थूल भोग हो नहीं सकता, इसलिए ये शरीर लेना जरूरी है। देवता लोग भी अपना कर्म फल के अनुसार देवता बना है, कोई आगे चलकर ऋषि मुनि ब्रह्मा तक, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन, ऐसा विचार है। इस जगत में एक दूसरे को भोगो विचार लेकर आगे बढ़ते हैं। आई बात, एक जगत में एक दूसरे को हर वक्त एस्टिमेशन में लगे हुए हैं, नापने में,
ये जगत में हर वक्त नापने वाला विचार है, हम नाप लेंगे, ये जगत का विचार ही है। तमाम दुनिया में जितना सारे जीव है, तमाम जीवों का अंदर में नापने वाला विचार है, अर्थात माया का दर्शन है। माया का दर्शन मैंने भोग का दर्शन, एक ही बात है। माया का दर्शन, भोग का दर्शन, नापने वाला विचार, सब एक ही है। लेकिन विचार करके देखा जाए, ये दुनिया में कोई किसी को भोग नहीं कर सकता, ये दुनिया में कोई किसी को भोग नहीं कर सकता। ये जो भोगने का जो विचार है, इसके द्वारा कॉन्टामिनेटेड, इसके द्वारा जो भोगने का विचार है, इसके द्वारा कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, ये कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाते हैं। लेकिन होना ही है, क्या करें। पहला संस्कार के अनुसार किसी का अंदर में जो भोग प्रवृत्ति है, तमाम दुनिया में ये माया का दर्शन फैला हुआ है। यहां तक कि भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाए तो वहां भी माया का दर्शन है, वहां भी माया का दर्शन। अरे ठाकुर जी का आज का ड्रेस बड़ा अच्छा दिया है, लगता है बड़ा है, आज का बेस अच्छा है। अच्छा उस मठ का ठाकुर जी देखा है, लो उतना शार्प नहीं है, शायद ये लोग कीमती विग्रह लाया है ना, जयपुर से लाया होगा। ऐसा करके जो विचार है, भगवान कौन सी कपड़ा पहना हुआ है, भगवान का गले में क्या, कौन सी फूल का माला है, भगवान लंबा है कि छोटा है, दिखने में अच्छा है कि नहीं है, सिंगर कैसा है, ये सारे डिसिप्टिव एटीट्यूड, वंचनात्मक विचार है। बद्धजीव कभी भी भगवान भक्तों धाम नाम किसी को देख नहीं सकता। ये जो विग्रह दर्शन करने गए, ये जो भगवान कौन से लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहना कि नहीं, आज का कपड़ा अच्छा है कि काल का अच्छा है, ये सारे जो विचार है, सारे नापने वाला विचार है। प्रभुपाद कहते थे भगवान अर्थात अध्यक्ष जो वस्तु को माइक दर्शन के द्वारा दर्शन करना संभव नहीं। माइक दर्शन के द्वारा ये दर्शन संभव नहीं है, असंभव है। प्रभुपाद कहते थे वी कैन नॉट सी सुप्रीम लॉर्ड, रेदर वी कैन डू भजन इन सच ए वे सो दैट भगवान बिकम इंटरेस्टेड टू सी मी। तो विग्रह का सामने हम अगर जाके देखे, विचार करे, ये विग्रह कैसा है, आकार आकृति दर्शन, सारे माइक दर्शन है। भगवान का सेवा करते 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 ऐसा ऊंचाई तक जाना है जब भगवान हमको देखने के लिए व्यस्त हो जाए, इसी का नाम है वास्तविक कृपा लाभ। हम भगवान को दर्शन कर लेंगे, मंदिर कितना बड़ा है छोटा है, अनंत तत्व मंदिर, अनंत देव तत्व। ये सारे मापने वाला विचार है। वो बात कहते थे हम लोग बद्धजीव है, भगवान को इसी आंखें के द्वारा दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन हमको ऐसा सेवा करना है कि भगवान हमको देखने के लिए दौड़े भागे चले आएंगे। हमको ऐसा सेवा करना है। यही है वास्तविक।
अतः भजन के द्वारा अपना दर्शन शक्ति का उन्मेष, अंधा आंखों का उन्मोचन गुरुचरण के द्वारा होता है। ये जगत में ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई स्त्री है, लेकिन भाव ये है, शरीर अपना कर्म फल का अनुसार दिया गया। किसी का अंदर में भाव है कि मैं पुरुष हूं, किसी का अंदर में भाव है स्त्री है, और प्रकृति इसी मुताबिक शरीर को भी दे दिया। वास्तविक रूप में दोनों ही प्रकृति है, पुरुषों का शरीर और स्त्रियों का शरीर सारे प्रकृति का उपादान है, पांचभौतिक। अर्थात दोनों का अंदर से आत्मा निकल गया तो दोनों का ही अंदर से अगर आत्मा निकल गया दोनों का ही शरीर पतन हो जाएगी। अब तब कोई पुरुष कोई स्त्री ये बताने वाला कोई नहीं रहेगा। अर्थात जितना सारे दिखाई पड़ता है कामों का अट्रैक्शन सारे मायादेवी का चक्कर है, मायादेवी का चक्कर है। मायादेवी ऐसा प्रभाव रचा के रखी है तरह तरह का चीजें भोगने का सामान दुनिया में भरा पड़ा है। इच्छा है तो लूटो, अगर भगवान का पास जाना है तो जाओ। ततोस्ता जीव का यही लक्षण है, ततोस्ता जीव का यही लक्षण है। कभी भगवान को चाहता है, हम भगवान का भजन करें, कभी माया का भजन करता है। ये ओसिलेटिंग कंडीशन में जीवों का जो अंतकरण है इट इज इन ओसिलेटिंग कंडीशन। पेंडुलम का साथ जो घड़ी है पेंडुलम ओसिलेटिंग कंडीशन में, कभी माया का इधर है कभी उधर है, कभी इधर है कभी उधर है, ऐसा चल रहा है। कोई किसी को ये दुनिया में भोग नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो पक्का है भोगने का विचार तो जरूर है हर कोई का अंदर में। हमारा जितना भी सुविधा है, हमारा जितना भी सुविधा है शरीर और मन का साथ जोड़ा हुआ, आत्मा का साथ नहीं, हमारा शरीर और मन का साथ, हमारा जर शरीर और जर मन का साथ जुड़ा हुआ जितना भी सुविधाएं हैं, वॉट एवर फैसिलिटी आई लाइक टू गेट, इसका पीछे रहस्य है। किसी ना किसी को एनर्जी देना पड़ेगा, आप समझा नहीं विचार। मेरा जो सुविधा हो रहा है, मेरा कोई भी सुविधा हो रहा है रिलेटेड टू माय मटेरियल बॉडी एंड माइंड, मेरा कोई भी सुविधा आज हो रहा है इसका पीछे देखो किसी ना किसी का सेक्रीफाइस है, मैं एनर्जी है। मैया ने रूसी करके भगवान को भोग लगा के हमको दी, तो आई एम एंजॉइंग मदर। ये दुनिया में एक जीव दूसरा आदमी को भोग करता है, हैं? आप समझा नहीं, हमको गर्म पानी से नहाना है, गर्म पानी कौन बनाएगा, या इलेक्ट्रिक कंपनी का कोई ऑफिसर होगा उधर बैठा हुआ है काम कर रहा है इलेक्ट्रिक दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक आंखों में दिखाई नहीं आता। मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्ति करना और पानी में रॉड डालकर गर्म करना, उसका पीछे भी सब किसी न किसी का एनर्जी दे रहा है। अर्थात इस जगत में जीवो जीवो स्व जीवनम, जीवो जीवो स्व जीवनम, जीव जीव का सहारे में जीता है। एक जीव दूसरा जीवो का सहारा लिए बिना जी नहीं सकता। ये मेटेरियल दुनिया है, लेकिन अपराकृत जगत में ऐसा नहीं है। अपराकृत जगत में एकमात्र भोक्ता है भगवान,
एकमात्र द ओनली हीरो और अनगिनत भगवान का भोग का समान है। लेकिन ये जगत में मेटेरियल जगत में अनगिनत भोक्ता है, अनगिनत भोग्य है, भोग्य वस्तु व भोग्य व्यक्ति व भोग्य कुछ भी ये भी अनगिनत है। अब भोगने का जो व्यक्ति हीरो हीरो बनकर उतारा है ये भी अनगिनत है, इसलिए नॉट ऑथेंटिक। इस जड़ जगत में ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक, नॉट ऑथेंटिक, ये जो दो शब्द है ये जगत का लिए है। अप्रकृत जगत में ऑथेंटिक है कि नहीं ये विचार आ ही नहीं सकता, अप्रकृत जगत में इसका विचार आ ही नहीं सकता, कैसे आए कि तो कोई है नहीं, एक भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सारे सेवक है, भगवान एकमात्र सेवक। तो जहां बहुत पुरुष बहुत स्त्री वहां लपड़ाबाजी होना जरूरी है, होगा ही होगा, बहुत स्त्री बहुत पुरुष, बहुत हीरो बहुत हीरोइन। लेकिन अपराधी जगत में एक हीरो है, बाकी सामान भगवान का सेवा के लिए मौजूद है, ध्यान देना। सिद्धांत तो बोलना बहुत इजी है, लेकिन अपना जिंदगी में पालन करना बहुत कठिन है। सिद्धांत तो बोल के मुखस्त करना बहुत इजी है, लेकिन अपना जिंदगी में पालन करना बहुत कठिन है। फिर 10 नंबर श्लोक में हम जाएंगे। 10 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, शक्तिमान पुरुष स्वयं लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन् आविर्भूत लिंगे महाविष्णुर जगतपति। इस जगत में जितना सारे तमाम चीजों का निर्माण है, ये निर्माण का पीछे एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है, ये उपादान कारण, उपादान मतलब इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमने बताया था बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ईट पत्थर गडर पत्थर सब चाहिए, तमाम हमको चाहिए, लेकिन ये अगर इंग्रेडिएंट्स रहे, ईट पत्थर सब रहे, सीमेंट बालू, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, बनाने कुछ है कोई है बनाने वाला, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मुश्किल है। लेकिन शक्तिमान पुरुषः स्वयं लिंग रूपी महेश्वरः तस्मिन् आविर्भूत लिंगे महाविष्णु जगतपति ही। स्वयं पुरुषः, ये जगत में एक बिल्डिंग बना, बिल्डिंग बनाने के लिए ईट पत्थर सीमेंट सब जरूरी है, लेकिन ईट पत्थर सीमेंट रहने से ही होगा नहीं, बनाने वाला कुछ है, ये उद्योग प्रोपराइटर होना चाहिए, कौन बना रहा है, पैसा खर्चा कौन कर रहा है, लेबर लोग काम कर रहा है सारे, इसलिए ये जगत प्रपंचों का पीछे एक रहस्य है। और रहस्य क्या है, रहस्य ये है कि तमाम ये जो चीजों का निर्माण, ये जो निर्माण है हमारा शरीर का, तमाम दुनिया का सिविलाइजेशन, ये सब निर्माण है, लेकिन इसका पीछे भी निमित्त कारण और उपादान कारण चाहिए। विज्ञान ने बताया कॉज एंड इफेक्ट इज अ मस्ट, कॉज एंड इफेक्ट इज अ मस्ट। कॉज नहीं है तो इफेक्ट कहां से है, इफेक्ट है तो कॉज जरूर है, जरूरी है। इसीलिए
बताया गया 10 नंबर श्लोक में, शक्तिमान पुरुषः स्वयं लिंग रूपी महेश्वरः तस्मिन् आविरावुत लिंगे महाविष्णुर जगतपति ही। उपादानमय पुरुष वो कौन है जो चैतन्य चैतन्यमित से हम लोग को जानकारी है, ये अद्वैत गोसाई सदाशिव है, ये महाविष्णु के साथ अभिन्न है, महाविष्णु के साथ अभिन्न है, महाविष्णु जगतकर्ता मायाया जो सृजति अदह तस्यावतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। तो उपादानमय पुरुष लिंग रूप महेश्वर शंभु, जिसका बारे में हम पिछले सप्ताह में बताया था, द्वादश ज्योतिर्लिंगो भारत में बहुत सारे जगह है, सोमनाथ, अंकलेश्वर हैं, बैद्यनाथ, सब ज्योतिर्लिंग है, ये सारे ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब भगवान जब प्रकृति का ओर दृष्टि ख्यापन करते हैं उस समय जो अबीम ऑफ लाइट, ये तो लाइट तो नहीं है, लाइट का मापी, लाइट का साथ तुलना किया गया, जितना सारे जीवात्मा, ये जीवात्मा का साथ किसी वस्तु का तुलना देना संभव नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा इज लाइक दैट, लाइक आत्मा बराबर ऐसा मापिक ऐसा नहीं बताया गया, बराबर एग्जैक्टली लाइक दिस ऐसा नहीं बताया गया कि उपमा आत्मा इज लाइक दैट। आत्मा इज लाइक दैट ऐसा चर्चा किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ऐसा ही है, तुलना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलना किया गया, लेकिन आत्मा वेदांत सूत्रों में बताया गया आत्मा कैसा है दिखने में, भले आत्मा गुणात अलग भक्त, आत्मा को एक लाइट पार्टिकल का साथ तुलना किया गया, तुलना ऐसा मापिक, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा चिन्मय है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है वेदांतों में आत्मा कैसा है, भले गुणात अलग बहुत क्वालिटेटिवली इट इज लाइक लाइट पार्टिकल, लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट अगर हो जाए तो मेटेरियल वस्तु है ये जगत का, जड़ जगत का तो वस्तु नहीं है आत्मा, आत्मा तो ये जड़ जगत का कोई वस्तु, फंस गया है शरीर पकड़ कर फंस गया है, ठीक है, लेकिन आत्मा तो जड़ वस्तु नहीं है, चिन्मय, तो इसको तुलना दिया देना मुश्किल है, इसलिए बताया गया वेदांत सूत्र में आत्मा गुणात अलोक बात, गुणात अलोक बात, गुणों का विचार करने जाए लगेगा ऐसा कि जस्ट लाइक लाइट पार्टिकल, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। जब भड़े सभा में भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्रीय योगों का अंदर में शिशुपाल का गले छेदन कर दी चक्र के द्वारा, उस समय
तमाम मुनि ऋषि तमाम व्यक्ति देख रहा है, देवता सब देख रहे हैं। शिशुपाल का शरीर से आत्मा निकल गया जस्ट लाइक ए फ्लेम ऑफ ए लैम्प, एक लैम्प का प्रदीप जैसा जलता है ना, ऐसा धीरे धीरे आगे चलकर भगवान का चरण में जाकर समा गया। भगवान का चरण में जाकर समा गया। तो देखने में प्रदीप जैसा है, अ फ्लेम ऑफ प्रदीप, छोटा, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं आता। नायम आत्मा प्रवचन निलभ्य न मेधया न बहु न सीते न जम एव ईश वृणित तेन लभ्य, ये सब श्लोक है उपनिषद का जो भी है। तो शक्तिमान पुरुष सो अयम लिंग रूप महेश्वर, भगवान जो प्रकृति का ओर देखते हैं तब जितना सारे जीवात्मा लाइट का मापिक, अ बीम ऑफ लाइट, दादा प्रकार का बारहा, जब कोई लाइट आती है हमारा पास, अ ब्रांचेस ऑफ लाइट यू कैन सी, और ऐसा पाना संभव नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक लोगों ने विचार किया, अ पेंसिल रे, पेंसिल रे मतलब आप सूरज का ओर सुबह के समय में आप परीक्षा करके देखना, किसी लाइट सोर्स या सूरज का ओर देखो, क्योंकि दोपहर के टाइम में आंखें नहीं मिला सकोगे, सुबह में मिला सकोगे, तो देखोगे 8 बजे का आसपास सूरज का ओर देखो और वहां से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, लगेगा कि एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है। ये बीम ऑफ जो लाइट है इसमें कभी कभी आपको एक बल्ब जलता हुआ बल्ब का ओर भी देख सकते हो, यू कैन डिस्कवर अ बंचेस ऑफ लाइट का भी, लेकिन इसका अंदर में आपको नजर में आएगा ए पेंसिल रे, मतलब एक रे ऐसा है कि लगता है कि अलग से लाइट से आ रहा है, इसको बोलता है पेंसिल रे, अर्थात एक ही लाइट। जैसे पहले जमाने में स्ट्रेट लाइन, पहले जमाने में मैथमेटिक्स में हम लोग सीखा है बचपन में, स्ट्रेट लाइन क्या है, बोले जिसका कोई लंबाई है चौड़ाई नहीं है, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। बाद में साइंटिस्ट लोग बताया ये हो ही नहीं सकता, ये झूठा है। क्यों? जितना ही छोटा हो ना क्यों, इम्पॉसिबल टू मी मेजर, बट स्टिल जिसका लेंथ है उसका ब्रेथ जरूर होगी, जिसका लंबाई है चौड़ाई नहीं है, हो नहीं सकता। जिसका लंबाई है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने पेपर में लिख दिया, एक स्ट्रेट लाइन ठाक, ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, ये कभी नहीं बोला सकता, ये कभी नहीं बोला जा सकता। क्यों? जो लोग कैलकुलस बोल के मैथमेटिक्स किया है वो लोग जानता है टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी का कंसेप्शन, टेंस टू जीरो, इसका चौड़ाई ऑलमोस्ट जीरो का ओर जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो। लगता है कि स्ट्रेट लाइन का एक लाइन है, उसका कोई चौड़ाई नहीं है, वैज्ञानिक ने बोला नहीं ये हो ही नहीं सकता। जिसका लंबाई है जितना भी छोटा हो क्यों ना हो, लंबाई है मतलब चौड़ाई जरूर है, ये हो ही नहीं सकता, लंबाई है चौड़ाई नहीं है, ये विचार हम लोगों ने कैलकुलस मैथमेटिक्स में सीखा है, टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी इत्यादि। तो शक्तिमान पुरुष स्वयं लिंग रूपी महेश्वर
द्वादश जब भगवान ने प्रकृति और प्रकृति का ओर देखा तो देखने के साथ साथ शंबुल लिंगो बोलकर लिंगो ज्योति बनकर प्रविष्ट हुई है प्रकृति का गर्भ में। ये जो बीम ऑफ लाइट इसमें एक एक पेंसिल ले भी हो सकता, पेंसिल ले भी हो सकता, लेकिन एक कंसेप्शन बन के रह गया, इसको पकड़ना संभव नहीं है। अब रोशनी किसी बाल्ब का ओर देखते रहो, आप देखोगे पांच छह सब लाइट कमिंग, आओ इसका अंदर में एक पेंसिल रे भी कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो उपादान पुरुष लिंगो रूपी महेश्वर शंभु ये निमित्त रूप निमित्तांशो माया रूप शक्ति युक्त, ये जो लिंगो रूपी महेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग का रूप में आए हैं वे हैं, इसका ही प्रमाण है सोमनाथ वैद्यनाथ ये सब ज्योतिर्लिंगों, सब ज्योतिर्लिंगों। रामेश्वरम मल्लिकार्जुन सारे ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है। भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंग फैला हुआ है अलग अलग जगह में। तो ये जो आ रहे हैं, ये जो लाइट ऑफ बीम्स, ये तो लाइट नहीं है, मैंने पहले ही बताया लाइट का मापिक, ये जितना सारी जीवात्मा महाविष्णु का अंदर में अपेक्षमान अवस्था में है सृष्टि का बाद, ये भगवान अपना दृष्टि का साथ प्रकृति का गर्भ में निक्षेप करते हैं। करने का बाद एक एक जीव अपना अपना संस्कार के अनुसार अपना शरीर को प्राप्त करता है। तो उपादान पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु ये निमित्तांशरू माया शक्ति युक्त। तात्पर्य ये है चिदैश्वर्य प्रधान पर ब्रह्म में कृष्णों से अभिन्न से नारायण विद्यमान इनके बुहोगत चतुर्बुहो इनके बुहोगत अतः चतुर्बुहो का अंदर में जो संकर्षण भी कृष्णों का विलास विग्रह अंश वे चित शक्ति का आधार पर चित शक्ति का बल पर एक अंश में सृष्टि काल में चित जगत ओ माइक जगतेर मध्य सीमा रूपा बिरजा का पानी में ये महाविष्णु सोया हुआ है। बिरजा में नित्य शयन करके बहुत दूर दूरस्थित छाया रूपा माया शक्ति का प्रति ईक्षण करने से तमाम जीव प्रकृति का गर्भों में संचारित हो जाते। उसी समय भक्तिमन ठाकुर जी ने बताया उसी समय भक्तिमन ठाकुर जी ने बताया चिद इक्षण स्वरूपाभास रूप रुद्र रूपी द्रव्य शक्तिमय प्रधान पति शंभु निमित्तांश माया का साथ जोड़ते हैं। अद्वैत गोसाई को उपादान कारण में माना गया, महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्वतार एवं अयम अद्वैताचार्य ईश्वर
ये बताया। तो फिर विचार ये होता है, जिस समय भगवान चिदैश्वर्य प्रधान परब्रह्मे कृष्णों से अभिन्न से नारायण विद्यमान, इनके चतुर्भुहो का अंदर में महाशंकरसन भी कृष्ण का विलास विग्रह अंश, वे चित्शक्ति का बल के आधार पर एक अंश में सृष्टि काल में चित जगत ओ माइक जगत का मध्य सीमा रूपा विरजा नदी में विरजा अनंत जलसागर में नित्य शयन करके दूर बहुत दूर स्थिता छाया रूपा माया शक्ति का प्रति इक्षण करने से उस समय चिद इक्षण जो लाइट ऑफ बीम जो हमने बताया था तत्काले वही चिद इक्षण स्वरूपाभास रूप रुद्र रूपी द्रव्य शक्तिमय प्रधानपति शंभु निमित्तांश माया के साथ जोड़ते हैं, किंतु कृष्ण का साक्षात चित बल रूप महाविष्णु का प्रभाव छोड़कर कुछ नहीं कर पाता है। जब भी महाविष्णु का साथ डायरेक्ट कोई कंटेक्ट नहीं है, बस इक्षण देखने का साथ साथ काम बन जाता है। सो शिव शक्ति रूपा माया और प्रधान गत उपादान ये दोनों क्रिया चेष्टा कृष्णांश एवं कृष्णांश संकर्षण का अंश रूप महाविष्णु आद्यावतार रूप में अनुकूल होने से महत्त्व उत्पन्न होता है महाविष्णु से। महत्त्व इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्रिएशन। महत्त्व का विभाग होता है कैसे कैसे, क्या सतोरजोगुण का विभाग शतगुण से क्या होता है, रजगुण से तमगुण से। महाविष्णु का अनुकूल शिव शक्ति क्रमशः अहंकार, महाविष्णु का अनुकूल शिव शक्ति क्रमशः अहंकार एवं आकाशादि पंचभूत तन्मात्र और जीवों का माइक इंद्रिय शकल को सृष्टि कर देता है। इंद्रिय शकल सृष्टि करने का माने क्या है, भले इंद्रिय अगर नहीं है तो विषय कैसे भोग करे, अगर पूर्व संस्कार नहीं है तो विषय कैसे भोग करे, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। माइक इंद्रिय शकल सृष्टि करता है, माइक माने मेटेरियल सेंस ऑर्गन जिसके द्वारा भगवान को जाना नहीं जाए, केवल हम तुम और मैं और ये जड़ जगत का जितना सारे वस्तु है यही दिखाई पड़ता है। महाविष्णु किरण रूप अंश समूह ही जीव रूपी उदित होता है, कई बार मैंने बताया, इसका बारे में आगे चलकर चर्चा होने का संभावना है, बहुत सारे श्लोक ऐसा है जो हमको चर्चा करना ही पड़ेगा। तो यहां तक हमने चर्चा करके दिखाया द्वादश, ये जो हमने बताया मायासंगी लिंगो तत्व, हमने जो बताया उक्तो मायासंगी लिंगो तत्व का बारे में बताया। शिव 8 और 9 इसमें प्रमाण है, भगवान ही शंभु लिंग पकड़कर प्रकृति का साथ रमन करे और प्रकृति का गर्भ संचारित हो जाता। आगे चलकर 10 से 21 तक, आगे चलकर 10 नंबर श्लोक से 21 नंबर तक सृष्टि तत्व का बारे में चर्चा, इसके बाद गर्भोदगोसाई महाविष्णु से सतो रजो तमोगुण का अधिदेव रूप विष्णु
प्रजापति और रुद्र का उदय, उसका बाद जीवों का सृष्टि और संबंधों का बारे में हम बताएंगे। क्या बताएंगे? 10 नंबर से 21 नंबर तक, कई सप्ताह तक, फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स हम लोग का चर्चा का विषय यही है, याद कर लेना। शिष्य तत्व बताएंगे, गर्भद गोसाई महाविष्णु से सत्तो रजो तमगुण का अधिदेव रूप, अधिदेव रूप विष्णु प्रजापति और रुद्र, अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न उदित होता है। इसके बाद जीवों का सृष्टि और संबंध, जीवे सृष्टि और संबंध, जब भी लिखा हुआ है जीवों का सृष्टि, जीवों का शुरुआत, फिर भी जानकारी हमने दे दिया। जब भी सृष्टि शुरू, शुरुआत में, सृष्टि में, ये सब बताया गया, लेकिन फिर भी जीवात्मा कोई सृष्टि का कोई डेट नहीं। अनादिकाल से फॉर इन्फिनिटी पीरियड जीव में नित्य है और भगवान में नित्य है। शिष्टो व्यक्ति सृष्टि, ये सब शब्दों यूज करने से, सृष्टि शिष्टो ये सब शब्दों यूज करने से अफिनाइट कंसेप्शन दिल में बैठता है। अब कब सृष्टि हुआ? सृष्टि आदि से सृष्टि, जीवों का उत्पत्ति, ये सब शब्दों के द्वारा लगता है, वन कैन फिनाइट कंसेप्शन हमारा हृदय में आ पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी हमने बताया जीव अनादि और भगवान भी अनादि, अनादि में सृष्टि नहीं है, फिर भी सृष्टि, ये जो शब्दों यूज किया गया, एक कंसेप्शन है। अगर किसी वस्तु का सृष्टि का इतिहास जाने, ऐसे ऐसे हुआ तो ये तो फिनाइट कंसेप्शन आ गया, लेकिन शास्त्र में लिखा है ममई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन है, जीव सनातन, भगवान सनातन वस्तु है, जीव भी अनादिकाल से है, इसका भी सृष्टि का कोई फिर भी शास्त्रों में है, लेकिन फिनाइट कंसेप्शन बैठना नहीं चाहिए। अचिंतो इनकॉन्सिबल, चिंता का अतीत है। आगे चलकर सृष्टि का तत्व के बारे में अगर थोड़ा आगे बढ़े तो यह 11 नंबर श्लोक में आता है, सशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सहस्र बाहुर विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रसु। क्या बताया? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्रो बाहुर विश्वात्मा सहस्रांश सहस्र सहस्रसु। इसका माने ये है, वही जगतपति, वही जगतपति महाविष्णु इनके हजारों हजारों मस्तक, हजारों हजारों लोचन, हजारों हजारों चरण, हजारों हजारों बाहु, हजारों 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 अंश में हजारों हजारों अवतार एवं यही है विश्वात्मा, जगदाधार, जगत का आधार है विश्वात्मा, एवं सहस्र सहस्रो जन को सृष्टि करता है। ये जो सहस्र सहस्र शब्दों दिया गया, ये जो सहस्र सहस्र शब्दों दिया गया, इसका इसका अर्थ ऐसा ना समझे कि भगवान का हजारों हजारों माथा है, हजार हजारों आंखें है, ऐसा नहीं। ओम सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्र, ये जो है, ये जो हमारा श्लोक, ये जो लिखा हुआ शास्त्रों का,
इसका मतलब हजारों हजारों नहीं है। अरे लिखा तो है हजारों हजारों, लिखा तो हजारों हजारों, लेकिन ये इंडिकेट करता है अनंत का। आई बात समझ में? जीव गोस्वामी पाद गोपाल सहस्र नाम का जो टिप्पणी में लिखा है, ये जो सहस्र सहस्र ये जो शब्द है, ये सहस्र शब्द शब्द सिर्फ अनंत का इंडिकेशन देती है, ये अनंत का इंडिकेशन और कुछ नहीं। सहस्र सहस्र मतलब इस हजार। अच्छा विचार करके देखो, ओम सहस्र सहस्र के सहस्र पा, अगर किसी का सहस्र माथा है, किसी का अगर हजारों माथा है, तो आंखों है डबल 2000 है ना? तो ये विचार नहीं, विचार ये नहीं, विचार कुछ और है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्र बाहुर विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रसु, यही जगतपति महाविष्णु सहस्र सहस्र मस्तक, मतलब अनगिनत इन्फिनिटी अनंत मस्तक, सहस्र सहस्र लोचन सहस्र सहस्र चरण सहस्र सहस्र बाहु सहस्र सहस्र अंश में सहस्र सहस्र अवतार, ओ यही है विश्वात्मा एवं सहस्रो जन को यही सृष्टि करता है, अनादि सृष्टि यही करता है। तात्पर्य ये है, इसी सर्वो वेदो स्तवनियो, तात्पर्य ये है यही सर्व वेद के द्वारा स्तवनियो महाविष्णु अनंत करण शक्ति विशिष्ट, अनंत करण शक्ति विशिष्ट एवं अवतार सकलेर मूल आद्य अवतार मूल पुरुष, यही है वही मूल पुरुष, ये अनंत करण शक्ति विशिष्ट, अनंत करण शक्ति विशिष्ट, अनंत करण शक्ति विशिष्ट जो है होकर जगत में आत्मप्रकाश करता है। अनंत करण शक्ति विशिष्ट, आप समझा नहीं, अनंत करण शक्ति विशिष्ट, हमको पेंसिल को छीलना है, पेंसिल काटर एक बॉक्स है उसमें पेंसिल को डाल दिया, उसका बाद हम घुमाना शुरू कर दिया पेंसिल काटते रहे, ये भगवान है। और भगवान से आए हुए जितने सारे जीव हैं, ऐसे विचार करके देखो तो भगवान छोड़कर कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। ऐसा अगर गहरा विचार करके देखो तो अद्वैय ज्ञान तत्व छोड़कर दूसरा तत्व है ही नहीं, फिर भी हमारा अचिंत्य भेदभाव शक्ति के द्वारा डाइवर्सिटी सिद्ध हुआ है। अर्थात भगवान यद्यपि अनंत वैशिष्ट संपन्न, भगवान इज डेकोरेटेड विथ इन्फिनिटी एक्सीलेंसी, और यद्यपि भगवान अद्वैगन तत्व है, दो भगवान इज अद्वैगन तत्व स्टिल डेकोरेटेड विथ इन्फिनिटी डाइवर्सिटी, जो हमने पहले ही बताया था, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दोनों ही एक ही है। इसलिए वही भगवान सर्व वेद में स्तवनियो वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्व वेद में स्तवनियो महाविष्णु अनंत करण शक्ति विशिष्ट एवं अवतार सकलेर मूल आद्यावतार पुरुष। ये करण शक्ति विशिष्ट बोल के जो शब्द है, इसके द्वारा ऐसा माने करो कि भगवान तो अवतार आदि का मूल है ही है, और अनगिनत अवतार अनंत ब्रह्मांड में अवतार लेता ही है। इसके अलावा
भगवान से जो आए हुए जीवात्मा है, जो भगवान ने गीता में बताया ममैव अंश जीवो लोक जीवो तो सनातन, तो ये भी अचिंत्य भेदावे शक्ति के द्वारा भगवान से अभिन्न है कि नहीं। एट द सेम टाइम डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, एट द सेम टाइम क्या बताया, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंट। ये अचिंत्य भेदावे शक्ति के द्वारा भगवान के साथ अनंत ब्रह्मांड का, तमाम जीवात्मा का, सब अचिंत्य भेदावेद का द्वारा संबंध है। अचिंत्य भेदावेद शक्ति के द्वारा संबंधानित संबंधित है। अच्छा, अगर भगवान के साथ तमाम दुनिया अचिंत्य भेदावेद शक्ति के द्वारा अद्वैत ज्ञान तक तो सिद्ध होता है, तो इसका माने क्या है? माने ये है, ये जो चिन्मय जीवात्मा जितना सारे महाविष्णु से आए हुए हैं, ये प्रकृति का गर्भ में इसके द्वारा जो पैदा हुआ है अलग अलग सा जीवात्मा सारे, तो इसमें प्रकृति है शरीर, हाथी का जो शरीर है प्रकृति है, इसका अंदर में जो आत्मा है वो चिन्मय है। तो ये चिन्मय आत्मा अगर नहीं रहे, सिर्फ प्रकृति हाथी का शरीर की क्या काम का, कुछ काम का नहीं है, तो देखने से लगता है कि ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर शब्द भी यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि प्रकृति इनर्ट है, प्रकृति इनर्ट वस्तु है, तो ज्वाइंट वेंचर कौन करे, एक क्वेश्चन आता है। महाप्रभु इसका उत्तर दिया है, जैसे एक लोहे का डंडा, महाप्रभु जी ने उत्तर दिया है, प्रकृति अकेला कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति इनर्ट है, इनर्ट वस्तु, लेकिन ये प्रकृति का अंदर में जितना सारी जीवात्माएं, अनंत जीवात्मा आए हुए हैं, ये जीवात्मा टुगेदर विद दिस मेटेरियल बॉडी अर्थात आत्मा, एक शरीर पकड़ा, तो अभी ये हाथी जब आत्मा का रूप में है, ये पेड़ तोड़ेगा कौन? हाथी का स्वरूप पकड़ा आत्मा, प्रकृति से शरीर लेकर और एक एक पेड़ को पकड़ के उखाड़ फेंकता है, तो ये कौरण है। एक गाच को, पेड़ को उखाड़ने के लिए हाथी को लगाया जाता है। हाथी इज वन कैन इंस्ट्रूमेंट नाउ, हाथी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, हाथी को करण है, तो ये करण। आप लोग बोलते, आपका चाल बोल, आपका रहन सहन, आना जाना जो कुछ है, सब कुछ है, खाना पीना सब, जो करण, अनंत करण, करण माने जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट दोनों शब्द है, कॉज एंड इफेक्ट विज्ञान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉज नहीं है तो इफेक्ट कहां से आएगा, कॉज नहीं है तो इफेक्ट आ नहीं सकता। कॉज एंड इफेक्ट दोनों, कॉज है तो इफेक्ट है, इफेक्ट अगर है तो कॉज भी है। जैसे कार, हम एक उदाहरण दे दें, एक इफेक्ट, अचानक एक साइंटिस्ट जेलियोकुरी मादमकुरी एक अचानक एक चीज इफेक्ट देखा, क्या इफेक्ट देखा? जेलियोकुरी मादमकुरी फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड का दंपति है कपल, ये दोनों एक फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट पिच ब्लेंड, फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है पिच ब्लेंड, ए पिच ब्लेंड से धीरे धीरे बहुत मेहनत करके थोड़ा सा यूरेनियम निकाला पिच ब्लेंड। ये यूरेनियम को एक ड्रायर में रख दिया रात का टाइम में, बोले चलो कल हम करेंगे काम, आज रहने दो। वो यूरेनियम को एक
एक टेबल में जो ड्रायर रहता है, ड्रायर के अंदर घुसा दिया, और अचानक बाय चांस उधर नया कुछ फ्लेम क्रूड फ्लेम, जो फ्लेम देकर फोटो खींचता है ना, वो फ्लेम उधर पैर पड़ा हुआ था। सुबह में उठकर जब ड्रायर को खोला तो देखा ये फ्लेम के अंदर में व्हाइट रेज आते हैं विजिबल। वो घबरा गया, अरे ये तो नया है, ये तो नया है फिल्म, इसके कैसे लाइट का वहां पिक सब दाग हो गया, अरे असंभव है, ये किसने किया। फिर नेक्स्ट डे फिर नया फिल्म रख दिया। बाद में ये लोग कंक्लूड किया दैट इज द इफेक्ट, द इफेक्ट वी डिस्कवर हियर इन द फिल्म हैज सम ओरिजिनल रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कुछ राज है। बाद में ये लोग देखा अवश्य अवश्य निश्चित रूप में ये जो यूरेनियम, ये जो मेटल है, इसमें कुछ तेजस्क्रिय पदार्थ हो निकलता होगा, नहीं तो हमारा डेली का डेली फिल्म में, नया फिल्म में ऐसे दाग कैसे हो रहा है, व्हाइट मार्क्स, अल्फा बीटा गामा ये रे आविष्कार हुआ, ये अल्फा बीटा गामा जो निकाला है ये तेजस्क्रिय पदार्थों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से ऐसा निकलता ही है, तो ये कारण हो गया है, कॉज देख के कारण तक गया। आई बात समझ में, कॉज देख लिया, कॉज देख के कारण में उतारा है, ये इसका पीछे जरूर ये है। तो इसलिए ये ध्यान देना, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपद सहस्र बाहुर विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रसु, यहां तक आज चर्चा का विश्राम दे, कल दोबारा हम इस विषय पर कोशिश करेंगे कुछ चर्चा करने का। और जो श्लोक दी के चर्चा शुरुआत किया है इसे हम आज तो दोहराएंगे, कल इसका बारे में चर्चा करेंगे। अंधस्य मे हृतो विवेको महाधनस्य चौरै प्रभु बलिभिरिन्द्रियो नाम देवै महान्दकूपो कुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबनम देवेश देही कृपणस्य करावलंबनम वांछकल्पतरुष्य कृपासिंधु पतितानं पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः।